नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पीएचडी नहीं यूजी और पीजी और साथ साथ डिप्लोमा एमकॉम बीकॉम लॉ डिप्लोमा कुछ और कोर्सेज में और कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आवेदन, तो ये वीडियो उनके लिए है। 18 अक्टूबर को आया है एक नया शेड्यूल काउंसलिंग का। जी हाँ, 18 अक्टूबर को आया है शेड्यूल एक नया काउंसलिंग का, जिसके बारे में मुझे आपसे करनी है बातचीत। और यूनिवर्सिटी ने उन बच्चों को दोबारा से मौका दिया है, फिर से मौका दिया है, जिनके पास काउंसलिंग की सूचना ईमेल या फ़ोन के माध्यम से नहीं पहुंची थी, उनके लिए एक और अवसर है और ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद कोई चांस आपको नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग का। और आप ही जानते हैं कि काउंसलिंग में यदि आप उपस्थित नहीं होंगे, मौजूद नहीं रहेंगे, तो आपका एडमिशन यदि हो चुका है मेरिट के आधार पर, नाम आ चुका है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, फिर कुछ कॉमन चीज़ों की बात करूंगा आपसे। सबसे पहली चीज़, कुछ सब्जेक्ट के नाम बोलूंगा और उसके बाद डेट और टाइम बोलूंगा। तो अपना सब्जेक्ट के सामने की डेट और टाइम को नोट कर लीजिएगा। उस दिन उस समय आपको जाना है काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी में, अपने विभाग में, जिस विभाग में आपने किया है अप्लाई, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से अब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले आपकी जो काउंसलिंग थी, अधिकांश विषयों की ऑनलाइन हो रही थी और उसमें आई बहुतों को समस्याएं, पोर्टल की समस्या, सर्वर की समस्या, कहीं इंटरनेट था कहीं नहीं था, उन सब की समस्याएं। तो ऐसे बहुत सी समस्याओं का एक मेल कहें या कहीं हजारों मेल गया होगा यूनिवर्सिटी के पास, इसीलिए ये फैसला लिया गया होगा और नया शेड्यूल दिया है और ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग के लिए आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उसकी सूचना मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, काउंसलिंग का शेड्यूल बता लेने के बाद में। तो आप काउंसलिंग के शेड्यूल को पहले सुन लीजिए, ठीक है। डेट है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को किस विभाग के बच्चों को जाना है उसको ध्यान से नोट कर लीजिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीए एलएलबी, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर वेलनेस, उसके बाद है डिप्लोमा इन वोकल म्यूजिक सेल्फ फाइनेंस, डिप्लोमा इन ड्रामा वन ईयर सेल्फ फाइनेंस, डिप्लोमा इन कर्नाटका डिप्लोमा इन कर्मकांडा, उसके बाद है बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, जिसे बीए जेएमसी बोलते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसके बाद है बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम, बीएससी बायो ग्रुप, बीएससी मैथ ग्रुप, बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बीए म्यूजिक, बीकॉम और बीए। इस सब्जेक्ट के बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है यूनिवर्सिटी में, अपने विभाग में, 21 अक्टूबर 2021। समय है सुबह 9 बजे का, ठीक, समय सुबह 9 बजे का है, रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 बजे है और 9:30 या 10 बजे से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगली डेट है 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर को किस किस विभाग के बच्चों को जाना है उसको भी सुन लीजिए। समय है सुबह 9 बजे, रिपोर्टिंग टाइम और काउंसलिंग स्टार्ट होगी 9:30 बजे से 22 अक्टूबर को। सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए, किस विभाग के बच्चों को जाना है। एमलिप यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एम टी टी एम यानी कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, एमलिप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस, उसके अलावा है डिप्लोमा कोर्सेज 4-5, ठीक है, उनके नाम सुन लीजिए। पीजी डिप्लोमा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके अलावा एक कोर्स है डिप्लोमा इन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनजीओ मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, डिप्लोमा इन डिप्लोमा इन योगा एंड सेल्फ फाइनेंस, डिप्लोमा इन रशियन रेगुलर कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट एंड प्रोफेंसी इन रशियन लैंग्वेज रेगुलर कोर्स के लिए है, HRD वन ईयर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ये भी एक, पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस वन ईयर सेल्फ फाइनेंस कोर्स, पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग 2 ईयर सेल्फ फाइनेंस कोर्स, एमए इन एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमए मास कम्युनिकेशन। अभी और लिस्ट है, 22 अक्टूबर को लंबे चौड़े सब्जेक्ट हैं, एमए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, गांधीयन स्टडीज, IRPM और उसके अलावा सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट जिसे MASRD बोलते हैं, ये सभी सब्जेक्ट 22 अक्टूबर को बच्चे जो उसमें आवेदन किए हैं जाएंगे यूनिवर्सिटी में सुबह 9:30 बजे से पहले। अगली डेट है 23 अक्टूबर की।
इसमें सब्जेक्ट हैं एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, एमकॉम, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसे पीजीडीसीए बोलते हैं। उसके अलावा है एमए एंड एमएससी ज्योग्राफी, एमए एमएससी मैथ्स, एमएससी होम साइंस और एमएससी बॉटनी, एलएलबी और एलएलएम। 23 अक्टूबर सुबह 9 बजे आपको भी जाना है, और सब्जेक्ट हैं जो बचे हुए हैं 24 अक्टूबर को जाना है कुछ सब्जेक्ट के बच्चों को। 24 अक्टूबर को एमए हिस्ट्री। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट इसमें दोबारा से आ गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री पहले भी आया था, हिस्ट्री बाद में भी आया था, तो हो सकता है कुछ बच्चों को, हो सकता है 23 को हो जाए काउंसलिंग, कुछ को यानी कि हिस्ट्री के बच्चों को 2 दिन जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल के बच्चों को भी, साइकोलॉजी को भी और सोशोलॉजी को भी, एमएसडब्ल्यू को भी, एमकॉम को भी, और इसके अलावा जो भी ये कोर्सेज हैं यानी कि जो 23 और 24 अक्टूबर को है दो सब्जेक्ट हैं, बच्चे दोनों दिन जा सकते हैं क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए अगर एमए हिस्ट्री के बच्चे 23 को नहीं जा पाते हैं तो 24 को जाइएगा, और 24 को जाना संभव नहीं है तो एक दिन पहले 23 को आप चले जाइएगा। तो ये थी सूचना वेबसाइट पर। अब 26 अक्टूबर के कुछ कोर्सेज हैं, 26 अक्टूबर को भी आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। कोर्सेज है इसमें 5, एमए म्यूजिक, एमएफए पेंटिंग, एमएफए अप्लाइड आर्ट, एमएफए स्कल्प्टर, स्कल्प्टर कुछ होता है भित्ति चित्र कलाओं से संबंधित कुछ होता है, चित्रकलाओं का एक पार्ट होता है स्कल्प्टर होता है, स्थापत्य से इसे रिलेटेड करते हैं, और लास्ट कोर्स है एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन। यह 5 कोर्स के बच्चे 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ये सारा शेड्यूल मैं आपको इसका लिंक पीडीएफ का वेबसाइट से निकाल कर आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा। अब कुछ जरूरी बातों को सुन लीजिएगा। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था अप्लाई करते वक्त, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, चाहे 1 पेज हो, 2 पेज हो, 10 पेज हो, अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटो कलर में अपने पास में रखिएगा। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अकादमिक का मतलब होता है 10th 12th BA MA के लिए तो अपना पुराना है ना जो मार्कशीट होता है 5 सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का बीए का, उसको रखिएगा। यदि अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो 5 सेमेस्टर की मार्कशीट रखिएगा, ठीक है। और यदि डिप्लोमा कोर्सेज में है, कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है आपके पास, ईसीए कोटे का है, डिबेटिंग का है, पोएट्री का है, राइटिंग का है, नेशनल का है, स्टेट का है, इंटरनेशनल का, स्पोर्ट्स का है, उसको भी साथ में रखिएगा, ठीक। अपना कोई भी आईडी प्रूफ साथ रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी साथ में करा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी रिजर्वेशन कोटे में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी उसको भी साथ रखिएगा। यदि आप इनकम का छूट का प्रमाण पत्र लेकर जाते हैं, जिसे EWS बोलते हैं, तो आपको इनकम में फीस छूट मिल जाएगी तो उसका भी प्रमाण रखिएगा, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट वह भी लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं यूनिवर्सिटी में अपने अपने विभाग में, और जो मैंने शेड्यूल बताया है ना, यह केवल उन्हीं पर लागू होगा जिनके पास 17 अक्टूबर से पहले काउंसलिंग की कोई भी सूचना ईमेल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या फोन के माध्यम से नहीं पहुंची है, उन्हीं विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा। वो विद्यार्थी मत जाइएगा काउंसलिंग के जिनका नाम पहले आ चुका था, डेट थी, लेकिन आप जा नहीं पाए, सूचना यूनिवर्सिटी ने भेजी थी लेकिन आप यदि पहुंच नहीं पाए तो दोबारा काउंसलिंग में जाने का आपका लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास रिकॉर्ड मौजूद है कि किसको हमने मेल किया है, किसको कॉल किया है, किसको मैसेज भेजा है। एक बच्चे की काउंसलिंग 2 बार नहीं होती है, काउंसलिंग को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। काउंसलिंग में एब्सेंट हो जाएंगे, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, तय करना है आपको। यूनिवर्सिटी सूचना दे चुकी है वेबसाइट पर, वेबसाइट से सूचना पढ़कर मैं आपको दे चुका हूं, निर्णय लेना है आपको, क्योंकि साल आपका है, समय आपका है, लक्ष्य आपका है, विकास थोड़ा आपका होगा और बहुत ज़्यादा देश का होगा। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा।